टिफिन है टिफिन क्या कैसा नहीं लाना बताइए। सुपारी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मिराज चिंगम वगैरह अंदर नहीं लाना। सेल्फ स्टिक वगैरह टिफिन बड़ा भोजन नाम से ये खाने का सामान नहीं जाएगा। उधर ले लो ये इसमें डालो रख दो। चार्जर कुछ भी नहीं जाएगा अंदर। सेल्फी स्टिक चार्जर कुछ भी नहीं जाएगा। चार्जर जा सकता है। तो दोस्तों अभी मैं मेहरानगढ़ फोर्ट में आ गया था और जब एंट्री करने जा रहा था तो मेरे पीछे आप देख रहे हो बैग टंगा हुआ है। तो उसके अंदर खाने पीने का थोड़ा सामान था और मेरे भतीजे का थोड़ा गर्म पानी की बॉटल हो गया, सेरेलैक हो गया, तो ये सब सामान पड़ा हुआ था। किसी भी तरह के खाने की जो चीज़ें हैं वो अंदर अलाउड नहीं है और मेरी सेल्फी स्टिक भी उन्होंने निकलवा ली। तो अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर रखने जा रहा हूँ तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग एरिया जो है यहाँ से 400-500 मीटर पे है। तो पार्किंग एरिया में बैग रखता हूँ, गाड़ी में बैग रखता हूँ, तो उसके बाद मेहरानगढ़ आपको लेके जाऊँगा। और बहुत ही यार अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। पॉल्यूशन नहीं है, मेन बात यह क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं फील हो रहा। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और धूप मीठी मीठी धूप निकली है। तो अभी ये मेहरानगढ़ फोर्ट पे जाएंगे, अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर आ गया हूँ और देख रहे हो आप मेरे हाथ में टिकट है और 120 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन की। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है तो आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो आपको 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो हाफ़ टिकट है सीनियर सिटीज़न की। तो मैंने अपने फादर की सीनियर सिटीज़न है क्योंकि, तो मैंने वहाँ पे वेबसाइट पे जाके 5 मिनट लगे और उनका आधार कार्ड अपडेट करके मैंने वहाँ पे 60 रुपीज़ की टिकट ली। और अगर यहाँ पे लिफ्ट का भी ऑप्शन है जो कि फर्स्ट फ्लोर तक जाता है तो आप वहाँ पे उसके लिए लिफ्ट यूज़ करनी है तो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और पर पर्सन 120 रुपीज़ है। इन्फेंट के आपको पे नहीं करने। तो मेरे साथ एक इन्फेंट भी जिसका मेरे को कुछ भी पे नहीं करना। और कोई भी आप खाने की चीज़ ला रहे हो तो आपको वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। कुछ भी खाने की चीज़ें, चार्जर अलाउड है और आप ईयरफोन्स लेके जा सकते हो पर सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, जो कि मैंने आपको दिखाया, जो गार्ड ने आपको बताया, पुलिस वाले जो अंकल जी खड़े थे उनने भी आपको बताया। तो आप कोई भी चीज़ ऐसी मतलब जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बहुत सारे यार अभी फॉरनर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट आया हुआ है और धूप है थोड़ी थोड़ी। तो अंदर चलते हैं ऊपर फोर्ट की तरफ। हेलो, कहाँ है? आजा परदेसिया।
कोई इंसिडेंट हुआ होगा किसी के साथ। तो बाकी जगहों पे यार आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सेल्फी लेते हुए समुद्र के किनारा हो या कहीं पे भी किसी भी फोर्ट पे कोई ना कोई इंसिडेंट होता ही है। तो यहाँ पे तभी सेल्फी लेना अलाउड नहीं है, सेल्फी स्टिक यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो मेरी जो सेल्फी जो यहाँ पे स्टिक थी गोप्रो की वो मेरी उतार ली उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी में या लॉकर रूम में रख सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने रखना कुछ भी सामान आपके साथ बैग है और सेल्फी स्टिक है तो आप वहाँ पे जाके लॉकर रूम में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी आपको पे नहीं करना तो आप रख सकते हो। तो दोस्तों किले में घूमने के लिए इतना कुछ है, यहाँ पे इतने सारे म्यूजियम है, शीश महल, स्लेह महल, फूल महल, मोती महल, कितने सारे महल है जिसके लिए आपको कम से कम 3 या 4 घंटे चाहिए पूरा का पूरा किला घूमने के लिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा 3 या 4 घंटे लेकर आइए, क्योंकि अंदर शॉपिंग के लिए ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप किले के अंदर शॉपिंग भी कर सकते हो और बहुत सारे खाने पीने के यहाँ पे छोटे आउटलेट भी है। तो दोस्तों यार मेरे को राजस्थान में आके, जोधपुर में आके यार बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे हूँ और यहाँ का कल्चर जानने को, यहाँ का इतिहास जानने को मेरे को मिला, जिससे मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। मैंने अभी बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पे देखी है, हिस्ट्री पढ़ी है, और मेरे पीछे आप देख रहे हो कि भैया जो है बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं यार। तो जयपुर जो राजस्थान का ट्रेडिशनल जो फोक सॉन्ग होते हैं यार, वो मेरे को सुनने को मिला। अभी आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं। तो अगर आप आते हो तो यार कुछ भी डोनेशन दे पाओ तो यार दो यार, क्योंकि टैलेंट की कोई कदर नहीं होती। अगर आप टैलेंट या इंडिया गॉट टैलेंट में यार ये बंदा जाना चाहिए यार, इसने इतना अच्छा प्ले किया, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, तो आप मेरे पीछे देख रहे हो इंजॉय कर रहे हैं यार लोग, तो आप भी इंजॉय करो, जोधपुर आओ। और सबसे मेन बात है यार ऐसे लोगों को यार जो टैलेंट है इनका, ये देखो यार कितना अच्छा टैलेंट है, और यहाँ पे हमारे सबके फेस पे स्माइल आ चुकी है यार, इतना एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे आके। तो कुछ भी आप डोनेशन देना चाहो तो यार डोनेशन दो, मैंने भी यहाँ पे डोनेशन दी है तो आप डोनेट कर सकते हो कुछ भी। तो एंजॉय करो यार, जोधपुर बहुत ही अच्छा शहर है। एक्सप्लोर मोर विद रॉनी मेरा चैनल है, अगर आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो लाइक शेयर एक्सप्लोर मोर विद रॉनी, रॉनी एक्सप्लोर मोर विद रॉनी मेरा चैनल का नाम है। तो थैंक यू आप सबको, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे, मैं देख रहा था, और मेरी फैमिली ने भी किया। तो बाय बाय।
बट यहाँ से पूरा व्यू देखो कि जोधपुर का कितना सुंदर व्यू आ रहा है, और ऊपर से अभी भी दिख रहा है कि कितने नीले कलर के यहाँ पे अभी भी घर है, जो कि ये ओल्ड सिटी है। तो दोस्तों ये अभी फोर्ट तो मैंने देख लिया यार, ऊपर फोर्ट देख लिया और वहाँ पे जो तोपे थी वो भी देखी है। बहुत ही अच्छा नज़ारा था यार वहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू था, वहाँ से फोटोज भी क्लिक हो गई है, लोगों से बात भी हो गई है। तो आगे चमुंडा माता मंदिर है यार, वो देखने जा रहे हैं। मेरी फैमिली वहाँ पे पहुँच गई है और मैं बहुत देर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कभी किसी से बात कर रहा हूँ, तो मेरी फैमिली को 2 या 3 बार कॉल भी आ चुका कि जल्दी पहुँच वहाँ पे, क्योंकि अब अगली डेस्टिनेशन जो हमें वहाँ के लिए भी निकलना है। तो चमुंडा माता मंदिर में मैं जाऊँगा और वहाँ पे माथा टेकूँगा, दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे और मिलते हैं आगे। आ गई दोस्तों मेरी दाल बाटी चूरमा, और दाल यार कुछ हद तक मेरी हो रही जाती है, आपकी कुछ अलग है, मूछें हमेशा ऊपर रखनी है ना भैया, शादी के बाद नीचे।